हेलो फ्रेंड, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो आपकी सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होती है उसका आप कैसे यूज़ करते हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो उसमें आप ये फॉर्मूले यूज़ करते हो एंड साइन कन्वेंशन कन्वर्जर यूज़ करते हो वो कौन कौन सी होती है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, तभी आप समझ पाओगे कि जो आपकी सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होती है उसमें कौन कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं एंड उसमें कौन कौन से साइन कन्वर्जन यूज़ करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, डेंसिटी। डेंसिटी को आप मास डेंसिटी भी कह सकते हो। इसमें जो सी यूनिट यूज़ होती है वो होती है केजी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सेकंड, फोर्स। जो आपका फोर्स लगता है इन न्यूटन उसको आप इक्वल टू एन को न्यूटन कहते हो आप, और इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड, जो आपका प्रेशर इन पास्कल जिसको आप पीए कहते हो उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इक्वल टू 10 की पावर 6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जो आपकी स्ट्रेस लगती है इन पास्कल, इक्वल टू इसको आप पीए से डोनेट करते हो, और इसमें जो आपकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, इक्वल टू 10 की पावर 6 न्यूटन पर एम स्क्वेयर होती है। डब्ल्यू डी, वर्क डन इन जूल, जो आपका यूज होता है, इक्वल टू 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। जो आपकी पावर होती है इन वाट, इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू जूल बटे सेकेंड। जो आपका के होता है आप किलो उसको किलो कहते हैं, और उसकी पावर होती है 10 की पावर 3। एम इक्वल टू मेगा, इसकी पावर होती है 10 की पावर 6। जी होती है आपका गीगा, इसकी पावर होती है 10 की पावर 9। वैल्यू ऑफ ई फॉर स्टील, इक्वल टू 200 से 220 GN पर मीटर स्क्वेयर और किलो न्यूटन पर एम स्क्वेयर। जो आपका जी होता है वो गीगा होता है। वैल्यू ऑफ ई फॉर कास्ट आयरन में कितना होता है, 100 से 160। वैल्यू ऑफ ई फॉर कॉपर में कितना यूज़ करते हो, 90 से 110। वैल्यू ऑफ ई फॉर ब्रास में कितना यूज़ होता है, 80 से 90। वैल्यू ऑफ ई फॉर एल्यूमिनियम, इक्वल टू 60 से 80। इफ़ वी हैर कन्वर्ट एमएम टू एम देम, इक्वल प्लस 1000 और 10 की पावर 3। इफ़ यू हैव कन्वर्ट टू एमएम देन इंटू 1000 और इंटू 10 की पावर 3। इफ़ वी हैव कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर देन 100 और इंटू 10 की पावर 3। इफ़ वी आर कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर देन इंटू 100 और इंटू 10 की पावर स्क्वायर। इफ़ वी हैव कन्वर्ट सेंटीमीटर टू एमएम देन इंटू 100 10। इफ़ वी हैव कन्वर्ट एमएम टू सेंटीमीटर देन भाग में 10। जो आपका स्ट्रेस होती है उसको आप सिग्मा से डोनेट करते हो, जो आपका होता है वो लोड बटे एरिया होता है। लोड को आप पी से डोनेट करते हो और ए को एरिया से होता है आपका स्ट्रेन। जो स्ट्रेन को आप एप्सिलॉन ई से डोनेट करते हो, और चेंज इन लेंथ बटे में ओरिजिन लेंथ आपकी स्ट्रेन होती है। इसमें चेंज इन लेंथ आपका डेल्टा एल होता है और ओरिजिन लेंथ आपकी एल होती है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को आप ई वी से डोनेट करते हो, इसमें डेल्टा वी बटे वी होता है, जो आपकी चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिन लेंथ होती है। यंग मॉडुलस, ई इक्वल टू स्ट्रेस बटे स्ट्रेन होती है आपकी। इसमें पी बटे ए आपका लोड बटे एरिया और डेल्टा एल बटे एल यूज होती है। चेंज इन लेंथ आपकी होती है डेल्टा एल इक्वल टू पी बटे पी एल बटे ए। अल्टीमेट स्ट्रेस आपकी होती है मैक्सिमम लोड बटे एरिया। परसेंटेज इलोंगेशन, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन एट फ्रैक्चर माइनस ओरिजिन लेंथ बटे ओरिजिनल इलोंगेशन इन टेपर रोड, इसको आप डेल्टा एल से डोनेट करते हो, और 4 PL बटे पाई ई D1 D2, इसको आप एफ से वो इलोंगेशन होता है इक्वल टू 2C1+1m, ई इक्वल टू 3K1+2 बटे m, वेयर 1/m इक्वल टू पॉइजन रेशो, के इक्वल टू बल्क मॉडुलस और सी होता है आपका शियर मॉडुलस। टेम्परेचर स्ट्रेस में AF2-F1(1E), फोर्स एक्सपेंशन ऑफ द रोड डेल्टा LA T2-T1,
थर्मल स्ट्रेन होती है आपकी, एक्सपेंशन प्रिवेंटेड बटे ओरिजिन लेंथ। टेम्परेचर स्ट्रेन होती है ए टी टू माइनस टी एल बट एल बटे एल इक्वल टू ए एल टू माइनस एल वन। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा जो आपके फॉर्मूला एंड साइन कन्वर्जन यूज करते हो इन स्ट्रेस सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में वो कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को आप आसानी से देख सकें। तो हम आपसे फ्रेंड अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।